हाय खाने के शौकीनों, कैसे हैं? हमेशा मुस्कुराते रहना और हमारी वीडियो को देखते रहना। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपनी फैमिली मेम्बर्स में और फ्रेंड सर्कल में। आज हम आपके लिए लाए हैं बचे हुए चावल से न्यू रेसिपी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी है। बचे चावल का हम कैसे उपयोग करते हैं, चलिए फ्रेंड हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी बनाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो नई फ्रेंड बन है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड अब हम आपको वो रेसिपी बताते हैं। अब हम गैस जला के कढ़ाई रखेंगे, उसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम उसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च के बाद हम प्याज जो हमने लंबे लंबे पीस कर लिए हैं, अब हम गाजर डालेंगे। गाजर के हमने लंबे लंबे पीस किए हैं। इसके बाद हम डालेंगे शिमला मिर्च, शिमला मिर्च के भी हमने लंबे लंबे पीस कर लिए हैं। अब हम सभी सब्जियों को 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें नमक डाल लेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और क्वांटिटी के हिसाब से डालें। इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे। अब हम चेक करेंगे सब्जी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। अब हम 1 चम्मच चिली सॉस डालेंगे। चिली सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, जैसे अगर तीखा खाना हो तो आप थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हम इन सब मसालों को अच्छे से भूनेंगे, 2 मिनट के लिए करना है। अब हम इसमें 1 चम्मच सिरका डालेंगे। अब हम इसमें राइस को डालेंगे। राइस को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बचे हुए चावल हैं, ठंडे हैं, तो इनको अच्छे से हम मसाले में मिक्स करेंगे, जिससे चावल का एक एक दाना खिल जाए। राइस को हम स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हम 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस को डालेंगे। फिर हम अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे। यदि आपके जब चावल बच रहे हैं तो इस न्यू रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इस तरह के राइस बनाकर आप अपने बच्चों को या किसी मेहमान को बना के खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाएगा। बच्चों को तो इस तरह के राइस बहुत पसंद आते हैं, वो आपसे बार बार बनाने के लिए डिमांड करेंगे, तो आप उन्हें एक बार जरूर इस तरह से खिलाइए। इसमें वेज भी है और राइस भी, दोनों चीज़ें मिलकर पौष्टिक आहार बनता है। अब हम इसमें 1 चम्मच टमाटर सॉस डालेंगे। टमाटर सॉस यदि आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। अब हम चेक करते हैं, परफेक्ट राइस बनी, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी है। कितने प्यारे लग रहे हैं, कलरफुल राइस, चाइनीज़ राइस बनके तैयार हो गए हैं। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम किसी प्लेट में या बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। वाह, क्या सुपर बन है, अभी से मुँह में पानी आ रहा है। आज की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फुल वॉच के लिए थैंक यू।